Sean. नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अपने आज के इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी अहम जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में मदद मिल सकती है। तो आइए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। आज हम बात करेंगे सीधी बुआई धान में फसल प्रबंधन की और साथ ही बात होगी अगेती सब्जी मटर की खेती की। तो अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो फोन उठाइए और हमें नंबर मिलाइए 1800-11-3060 और 1800-11-3061। जब भी आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपनी टीवी की आवाज को उस दौरान बिल्कुल बंद रखें जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हों। अब आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के विशेषज्ञों से। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर बीबी शर्मा जी, जो कि हमें जानकारी देने वाले हैं सीधी बुआई धान में फसल प्रबंधन की। नमस्कार। और माफ कीजिए, ये हमें जानकारी देंगे अगेती सब्जी मटर की खेती के बारे में। और हमारे साथ आज जो ऑनलाइन है वो मौजूद है डॉक्टर विश्वजीत प्रमाणिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में सर। नमस्कार। नमस्कार जी। और आपसे हम जानकारी हासिल करेंगे सीध बुआई धान में प्रबंधन के बारे में भी। तो अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो हमें फोन उठाइए और आप हमसे ये जानकारियां जो है वो हासिल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपके साथ हमारा जो विषय है वो है अगेती सब्जी मटर के ऊपर, तो जो सब्जी मटर है और जो मुख्य मटर है उसके अंदर क्या जो है वो डिफरेंस होता है? यह बहुत ही सही बात है, क्योंकि जब हम बात करते हैं आजकल जब जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है तो इस तरह की किस्मों का विकास करना बहुत ही जरूरी है, विशेषकर सब्जी फसलों में जो कम अवधि की हों और जल्दी पक करके तैयार हो जाएं, शॉर्ट ड्यूरेशन की हों। तो उसमें जब खेती जैसे मटर की मुख्यतः सब्जी मटर की खेती करते हैं किसान भाई नवम्बर में इसकी बिजाई करते हैं, लेकिन वो मुख्य फसल है और जब वो मार्केट में आती है तो प्राय उसके दाम कम हो जाते हैं, उत्पादन उसमें काफी अधिक होता है। लेकिन अगेती जो सब्जी मटर की खेती है इसको किसान भाई एक दो महीने पहले इसको कर सकते हैं, सितंबर के अंतिम सप्ताह में इसकी बिजाई शुरू करके और 15 अक्टूबर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं। और इसका फायदा मुख्यतः यह है कि इस तरह की किस्में होती है वो छोटी अवधि वाली होती है, 50 से 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है और बाजार में जल्दी आ जाती है, ताकि किसानों को मुनाफा अधिक होता है और बाजार के उच्च भाव इसमें मिल जाते हैं। बिल्कुल, और इसके बारे में हम आपसे ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट। अगेती मटर की बुआई सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर के मध्य तक की जा सकती है। खासकर मैदानी क्षेत्रों में मटर आमतौर पर अक्टूबर मध्य से नवंबर मध्य तक बोई जाती है। मटर की खेती के लिए दोमट और हल्की दोमट दोनों तरह की मिट्टी सही रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अगेती मटर की कई किस्मों को विकसित किया है। मटर की अगेती किस्मों में आजाद मटर 3, काशी नंदिनी, काशी मुक्ति, काशी उदय और काशी अगेती शामिल है। मटर की इन किस्मों की सबसे खास बात ये है कि ये 50 से लेकर 60 दिनों में तैयार हो जाती है, जिससे खेत जल्दी खाली हो जाता है और किसान दूसरी फसलों की बुआई भी कर सकते हैं। मटर की अगेती किस्मों की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 80 से लेकर 100 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। मटर को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए बीजोपचार जरूर करें।
बुआई करने से पहले खेत को पूरी तरह खरपतवार से मुक्त कर ले और खेत में गोबर खाद या केचुआ खाद डाले। मटर की अगेती किस्मों के लिए पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी 30x6x8 सेंटीमीटर काफी रहती है। खेत की तैयारी के समय प्रति हेक्टेयर 20-25 टन सड़ी गोबर की खाद के साथ 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश का उपयोग करें। बुआई के 15 दिनों के बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद पौधे में फूल आने पर ही सिंचाई करें। तो अभी आपने अगेती सब्जी मटर विषय पर देखी हमारी एक खास रिपोर्ट। और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं डॉक्टर विश्वजीत का जो हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमें जानकारी देने वाले हैं धान में किस तरह से आप प्रबंधन कर सकते हैं इसके बारे में, और साथ ही बात करेंगे हम इससे जुड़ी जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। डॉक्टर विश्वजीत, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि धान हमारे देश की मुख्य फसलों में से एक है, धान की खेती करके हमारे किसान जो है वो किस तरह से लाभ आज के समय में प्राप्त कर पा रहे हैं, सबसे पहले तो ये तो बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं समर्थन भाइयों को मेरा धान हमारा, जैसे आपने बताया धान हमारा मुख्य फसल है, ये हमारा पूरा देश का जी। और धान की जो बुआई है, धान की जो खेती है, इसमें काफी लाभ किसान भाई ले सकते हैं क्योंकि हमारा मुख्य फसल है, हमारा मेन खाद्य के रूप में भी आता है, तो इसमें तो बहुत लाभ का संभव नहीं है। लेकिन धान की जो कल्टीवेशन होता है इसका विभिन्न तरीका है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सीधी बुआई, जिसके बारे में आज चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सीधी बुआई में हम लोग कैसे धान को खेती करें, कैसे प्रबंधन करें, कैसे खरपतवार को नियंत्रण करें, इस सब के बारे में हम आज बताएंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ हम चर्चा को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन पहले देखते हैं इस विषय पर आधारित एक विशेष रिपोर्ट। खाद्य फसलों में गेहूं के बाद धान एक महत्वपूर्ण फसल है। धान की खेती सीधी बुआई से भी की जाती है। धान की सीधी बुआई करने से पानी का कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तरह धान की खेती करने से फसल में खरपतवार की समस्या थोड़ी ज्यादा रहती है। खरपतवार पर काबू पाने के लिए निराई गुड़ाई जरूर करें। जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से खरपतवार नाशी का उपयोग भी कर सकते हैं। धान में पानी खड़ा रहने की हालत में नील हरित शैवाल या अजोला का उपयोग जरूर करें। फसल में कीट प्रबंधन के लिए नीम के तेल के उपयोग के साथ साथ ट्रायोकार्ड और फिरोमेन ट्रैप का उपयोग भी कर सकते हैं। फसल के बाद प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें। धान की फसल में भूरा फुदका कीट के हमले की आशंका रहती है। ये कीट भूरे रंग के होते हैं और पौधों की निचली सतह पर कल्लों के बीच रहकर तने और पत्तियों का रस चूसते हैं। इन पर काबू पाने के लिए नाइट्रोजन को सीमित करें और खेत में लगातार पानी भरकर न रखें। जरूरत पड़ने पर नीम के तेल की 1.5 लीटर मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा फसल में झोंका यानी ब्लास्ट रोग भी हो सकता है। ये रोग फफूंद से फैलता है। पौधों के सभी हिस्से इस रोग से प्रभावित होते हैं। इस रोग के होने पर पत्तियां झुलस कर सूख जाती है, गांठों पर भी भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जिनसे पौधे को नुकसान होता है। तनों की गांठें पूरी तरह से या उसका कुछ भाग काला पड़ जाता है। इस रोग का प्रकोप जुलाई से सितंबर में ज्यादा होता है, यानी इस महीने धान की फसल को ब्लास्ट रोग से बचाना जरूरी है। रोग के लक्षण दिखने पर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर या बाली निकलते समय कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने धान पर देखी हमारी विशेष रिपोर्ट। आइए आपको एक बार हम फिर से बता दें हमारे आज के कार्यक्रम के विषय हैं धान की सीधी बुआई और उसमें प्रबंधन, और साथ ही आज हम बात कर रहे हैं अगेती सब्जी मटर की खेती के बारे में। ये दोनों ही विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, 1800-1130-60 और 6-1 दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप इन पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खास तौर से उस समय जब आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। और अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, ये बताएं कि अभी हमने अगेती जो सब्जी मटर है और जो मुख्य मटर की जो फसल होती है उसके बारे में हमने जाना कि दोनों के अंदर क्या जो है अलग अलग किस तरह से है, लेकिन अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अगेती सब्जी मटर की खेती हमारे किसान कब शुरू कर सकते हैं और कितने समय तक इसकी जो बुआई है वो कर सकते हैं।
बिल्कुल अभी जो किसान भाई इसकी खेती करना करने की सोच रहे हैं तो वो अभी बिल्कुल उपयुक्त समय है, यह सही समय पर एक कार्यक्रम है, आप इसको अभी से प्लान कर सकते हैं। तो यह सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह से लेकर के और मध्य अक्टूबर तक इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाई। लेकिन मुख्यतः उनको ध्यान ये रखना है विशेषकर इस समय, क्योंकि किस्मों का चयन उस तरह की करें जो, क्योंकि गर्मी बहुत है अंतिम सप्ताह में, जैसे अभी गर्मी का समय है तो अंकुरण में भी प्रभावी होता है उसमें, तो उसके लिए क्या करें कि इस तरह की किस्मों का चयन करें जो उच्च तापमान को सहन कर सकें और छोटी अवधि की किस्में हों ताकि वो दिसंबर के महीने तक उनकी तुड़ाई करके वो फसल को बाजार में बेच सकें। अक्सर क्या होता है कि जो लंबी अवधि वाली फसलों का यदि चयन कर लेते हैं पहले तो उनमें जो फ्लावरिंग है, पुष्पन है और फलियों का बनना है वो जनवरी और दिसंबर जनवरी के बाद होता है, उस वक्त उसका प्राइस है मार्केट में बहुत ही कम मिल पाता है। तो किस्में लघु अवधि की हो, और जैसे मैं कुछ यहाँ पे नाम भी लेना चाहूंगा क्योंकि तो कई बार क्या होता है कि किस्म का हम चुनाव सही ढंग से ना कर पाते हैं तो 50% आपका काम तो यही सॉल्व हो जाता है, आपने सही किस्म का चुनाव कर लिया। तो अगेती किस्में हैं जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से विकसित पूसा श्री जो किस्म है, जिसकी खासियत है कि इसमें फ्यूजेरियम विल्ट, क्योंकि अगेती जब किस्म करने की बात करते हैं तो मुख्यतः किसानों को यह बहुत समस्या आती है कि उसमें पत्ते पीले पड़ जाते हैं और उसमें मुरझा जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, ये बीमारियों के बारे में और किस्मों के बारे में आपसे जरूर जानकारी लेंगे। पहले हमारे दर्शक का जो सवाल है उसे शामिल कर लेते हैं। सोमवत हमारे शर्मा जी हमारे साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश से मौजूद है, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी, सोमवत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम आपके जो विशेषज्ञ हैं ये वैरायटी के बारे में बता रहे हैं बीजों की, जी ये मिलेंगी कहाँ से? सबसे बड़ी समस्या ये रहती है बाजार में मार्केट में मिलती नहीं है। जी बिल्कुल, तो शर्मा डॉक्टर शर्मा जी आप क्या बताना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ जी, आपको मैं बता रहा हूँ जो किस्में हैं वो आपके जहाँ से जिसके नाम बता रहा हूँ जैसे पूसा श्री है, तो पूसा श्री आपको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से मिलती है। जी सर, आप यहाँ कभी भी आकर के इसका बीज आप यहाँ से खरीद सकते हैं, और विशेषकर जो आजाद P3 जैसे किस्म है वो आपके चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से विकसित की गई है, ये प्रजाति वहाँ पर मिलती है। मटर अगेता 7 है वो भी अर्ली किस्म है, अगेती किस्म है वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित है, वो वहाँ उसके केंद्र पर और उनके कृषि विज्ञान केंद्रों में मिलती है। तो यह आप यह करें कि आपके नजदीकी जो भी केंद्र है वहाँ एक बार आप जरूर विजिट करें और वहाँ पर समय से पहले, मैं जैसे कह रहा हूँ कि किसान भाई अक्सर क्या करते हैं कि लगाने का समय अक्टूबर है तो वो अक्टूबर में ही बीज लेने जा रहे हैं, आप 10-15 दिन पहले वहाँ जाकर के बीज को उपलब्धता को अपना सुनिश्चित करें और इन मैंने जैसे केंद्रों के नाम बताए वहाँ पर जरूर किस्में हैं वो मिलती है। जी, और अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर विश्वजीत का। डॉक्टर विश्वजीत, अब आपसे हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि धान की जो सीधी बुवाई है वो हमारे किसान किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, धान की जो सीधी बुवाई है ये जो तकनीकी आज सारा देश में विकसित हो रहा है, पंजाब में लगभग 6 लाख हेक्टेयर में भी हो रहा है और हर जगह पे ये बढ़ रहा है। सीधी बुआई जो है अभी जून की 15 तारीख तक किसान भाइयों ने कर लिया है, जो इस साल में कर लिया अभी सीधी बुआई उसके लिए मैं बताता हूँ और जो अगले साल में करने जा रहा है तो कैसे करें। सीधी बुआई के लिए हमारा 3 तकनीकी है, एक जिसको हम सीधी बुआई को हम DSR भी कहते हैं, किसान भाई में DSR के साथ बहुत परिचित भी है। तो DSR एक ड्राई DSR होता है जिसमें हम जो जमीन है हमारा, जमीन में नमी ज्यादा नहीं होता है, हल्का नमी होता है, उसमें हम जो हमारा धान की जो बीज है हम जैसे गेहूं का हम बुआई करते हैं वैसे बुआई करते हैं, और एक हम जिसमें हम रोपाई करते हैं धान के रोपनी जैसे करते हैं वैसे हम खेत को पटलिंग करवा करके भी हम जो हमारा बीज है उस बीज को अंकुरित करके भी उस बीज को हम सीधा बुआई कर सकते हैं। तो ये हमारा जो तकनीकी है सीधी बुआई के लिए, तो सीधी बुआई तो हमारा जो 15 जून तक हो गया, अभी जहाँ पे सीधी बुआई हो गया है वहां पे अभी क्या करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि अभी जल प्रबंधन और उसके साथ साथ इसका जो न्यूट्रिएंट है पोषकता जो है इसको कैसे प्रबंधन करें, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि इसका खरपतवार जो है, क्योंकि ये सबसे बड़ा समस्या है, इसको कैसे प्रबंधन करें। तो सीधी बुआई का यही तकनीकी है जो पूरा भारतवर्ष में दिया जा रहा है,
किसान भाई उसको अडॉप्ट कर चुका है और बहुत अच्छा से ये जो तकनीकी जो है ये विकसित भी हो रहा है जी। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जगदीश जी मध्य प्रदेश से, आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 जगदीश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी जी? शायद वो हमारे साथ फोन पर नहीं है इस वक्त मौजूद। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आप हमें किस्मों के बारे में जानकारी दे रहे थे अगेती सब्जी मटर की, मैं चाहूंगी कि आप वो जानकारी को आगे बढ़ाएं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ किस्में जैसे पूसा श्री जो किस्म है वो फ्यूजेरियम विल्ट उकठा रोग के लिए प्रतिरोधी किस्म है, क्योंकि अगेती मटर की खेती करते हैं तो इसमें किसान भाइयों को विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर ये विल्ट की समस्या हो, उकठा रोग की समस्या हो, उस तरह के खेतों को में क्रॉप रोटेशन अपनाए। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि पिछले साल यदि आपने जिस खेत में मटर की खेती की है या कोई भी दलहनी खेती की है जिसमें उकठा रोग की भी समस्या थी, उस खेत में न करने के बजाय दूसरे खेत को चुने। इससे क्या होता है कि जो बीमारी मैंने बताया उसके लिए रोगरोधी किस्मों का चयन बहुत जरूरी हो जाता है। तो पूसा श्री किस्म है, आजाद P3 यह भी एक बहुत अच्छी किस्म है, और दूसरा किस्म है मटर अगेता 7, और उत्तर प्रदेश में जो इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वहां से विकसित किस्में हैं कुछ, काशी नंदनी, काशी उदय, जो उस तरह के वहां, और पहाड़ी क्षेत्रों में जो किसान भाई अगेती मटर की खेती करना चाह रहे हैं उनमें BL7 करके किस्में हैं, और इन किस्मों का चुनाव करके वो अपनी खेत की बिजाई कर सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर हम दोनों ही विषयों के संबंध में कार्यक्रम में जानकारियों को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम। हेलो किसान, अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं, ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं अगेती सब्जी मटर की खेती की, और साथ ही बात हो रही है धान की सीधी बुआई और उसमें प्रबंधन की। डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर विश्वजीत दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर आप इन दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो फोन उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113-0661। हमारे अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ विजेंद्र जी मौजूद है फोन लाइन पर, आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीतापुर उत्तर प्रदेश से, आपने हमें फोन किया, अपना सवाल पूछिए। मटर की खेती के विषय में जानना चाहता हूँ। मटर की खेती के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं जी? बिल्कुल जी, डॉक्टर शर्मा जी। विजेंद्र जी, आप जैसा कि सीतापुर से हैं तो आपके लिए हम अनुशंसा करना चाहेंगे कि आप पंत सब्जी मटर 3 PSM 3 किस्म का चुनाव करें, और आजाद P3 एक किस्म है आपके एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी किस्म है, और इनका यूज करके आप अगेती मटर की खेती कर सकते हैं। और ध्यान रखें विशेषकर कि जब अगेती कर रहे हैं तो इनका बीज का उपचार जरूर करें, क्योंकि बीज के उपचार करने से जिसमें जो भी उकठा रोग की बीमारी आएगी और आगे जो समस्याएं आएंगी जड़ गलन की, और वो उनसे आप निजात पा सकते हो जी। जी, तो यहाँ पर आप हमारे कार्यक्रम को भी लगातार देखते रहिए विजेंद्र जी, और आप कार्यक्रम के दौरान भी कई ऐसी बातें हैं मटर की खेती के संबंध में जिनके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर विश्वजीत का। डॉक्टर विश्वजीत, हमने धान की सीधी बुआई के बारे में तो जानकारी हासिल कर ली, लेकिन इस वक्त जिन हमारे किसानों ने धान की फसल ले रखी है वो अभी कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण अगर वो करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले इसके बारे में बताएं। बिल्कुल,
क्योंकि अभी जो सीधी बुआई जो धान है क्योंकि वो अभी खेत में है, 15 जून तक सबने बुआई कर दिया, अभी खेत में है। तो शुरू में जो एक बात जो हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा बुआई होता है सीधी बुआई में हमारा जो ट्रांसप्लांटेड जो धान होता है रुपाई करने के बाद जो धान होता है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में खरपतवार होता है। ये किसान भाइयों का एक बहुत बड़ा समस्या है कि इतना खरपतवार को कैसे वो नियंत्रण कैसे करे, कंट्रोल कैसे करे। तो सबसे पहले जो है जो सीधी बुआई होने के बाद उस समय पे खेत में नमी रहता है, हल्का नमी रहता है, तो उसी समय पे पेंडीमिथालिन एक मेडिसिन है, एक दवा है जो हर्बिसाइड जो है, वो पेंडीमिथालिन जो है वो सीधी बुआई के एक दिन बाद, जिस दिन बुआई हुआ उसके एक दिन बाद उसको खेत में स्प्रे करना है। उसका मात्रा है प्रति हेक्टेयर में, उसका जो मात्रा है 0.75 केजी से 1 केजी प्रति हेक्टेयर में इसका मात्रा है पेंडीमिथालिन। इसको बुआई की एक दो दिन के भीतर इसको स्प्रे करना है। तो शुरू में क्या होगा कि शुरू में जो आपका खरपतवार है वो काफी मात्रा में नियंत्रण हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी जब धान 20-25 दिन का हो जाएगा फिर क्या होता है कि बीच में काफी खरपतवार जो है वो काफी हो सकता है, बड़ा चौड़ा पत्ता जिसको ग्रासेस हो सकता है, चौड़ा पत्ता हो सकता है, मोथा हो सकता है, बहुत बड़ा समस्या आता है खेत में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बिसपायरीवेक सोडियम एक बहुत अच्छा हर्बिसाइड है, जो बिसपायरीवेक सोडियम अप्लाई करने से जो सीधी बुआई की 20 से 21 दिन बाद बिसपायरीवेक सोडियम का मात्रा जो है बहुत कम मात्रा में लगता है, वो सिर्फ 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर में, सिर्फ 25 ग्राम है इसका मतलब प्रति हेक्टेयर में बिसपायरीवेक सोडियम को अगर किसान भाई खेत में अप्लाई कर देगा, पहले पेंडीमिथालिन उसके बाद बिसपायरीवेक सोडियम, तो काफी मात्रा में जो है खरपतवार जो है वो नियंत्रण हो जाता है। अगर आपको केमिकल अगर आपको अप्लाई नहीं करना है, हर्बिसाइड से आपको नियंत्रण नहीं करना है, तो उसके लिए आज की डेट में जैसे पावर वीडर, वीडर भी मार्केट में अवेलेबल है, काफी किसान भाइयों ने वीडर को इस्तेमाल करते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। पावर वीडर जो है, पावर वीडर से भी, पावर वीडर हम जो कहते हैं कि धान की जो सीधी बुआई होने के बाद 1 हफ्ता बाद 7 दिन बाद फिर 2 हफ्ता बाद 3 हफ्ता बाद ये 3 बार अगर आप पावर वीडर से आप करिएगा तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो कम से कम 2 बार तो करना ही है जो बुआई की 20 दिन बाद और 30 दिन बाद। इस समय पर अगर आप पावर वीडर से करिएगा तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मूल रूप से है, क्योंकि अगर 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 किसान भाई अगर जो वीडिंग हैंड वीडिंग जो होता है तो उसमें बहुत ज्यादा लेबर लग जाता है, वो अच्छा नहीं है, वो आपको अच्छा पैदावार नहीं देता है, उसमें प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा नहीं है। जी डॉक्टर विश्वजीत, हमारे साथ जगदीश जी एक बार फिर से फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो जगदीश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी, लगता है उनके साथ फिर से जो हमारा कनेक्शन है वो टूट गया है यहाँ पर। आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, अब मैं आपसे बीजोपचार के संबंध में जानकारी लेना चाहूंगी, बीजोपचार के संबंध में आप क्या बताएंगे? बीजोपचार इस अगेती मटर की खेती में बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि यह दलहनी किस्म है और दलहनी जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है, इनमें कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया तो ये क्या करते हैं, जीवाणु बाहर वातावरण में जो उपलब्ध नाइट्रोजन होती है उसको स्थिरीकरण करके मिट्टी के अंदर उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें, यदि पहली बार वो मटर की खेती किसी पर्टिकुलर किसी खेत में कर रहे हैं तो वह राइजोबियम कल्चर आता है उस कल्चर से इसके बीज का उपचार जरूर करें, और जो लगातार कर रहे हैं तो वो लगभग 4-5 साल बाद फिर करें, हर साल करना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि राइजोबियम कल्चर मिट्टी में भी वो पनपता रहता है। तो किसान भाई जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए मैं सलाह देना चाहूंगा कि राइजोबियम कल्चर जो 30 ग्राम राइजोबियम होता है उसको 10% गुड़ का घोल बनाएं, 10% बनाने का मतलब ये होता है आप 100 ml लेंगे उसमें 10 ग्राम, और उसका जो गुड़ का घोल बनाएंगे उसको गर्म करके फिर थोड़ी देर तक बहुत अच्छे से ठंडा हो जाने दें, ठंडा होने के बाद उसमें 30 ग्राम राइजोबियम कल्चर मिलाएं, कल्चर मिलाने के बाद उसको जो सॉल्यूशन जो पेस्ट बन जो लिक्विड बन रहा है सॉल्यूशन बन रहा है उससे बीज का उपचार करें, वो छाया में मटर के सारे जो जितने बीज हैं उनको सुखा लें और इस तरीके से उनका बीज का उपचार करें कि मटर के दाने के ऊपर लगभग 1 परत उस राइजोबियम की उसके ऊपर
चढ़ जाए, इससे क्या होगा, और छाया में सूखने दे, उसको धूप में सुखाए। लेकिन कई किसान भाई के मन में यह भी शंका आ रही होगी कि कई बार आप ये बता दिया जीवाणु कल्चर, और आपने अभी ये भी बताया कि जो बिल्ट के लिए आप बीज का उपचार फफूंद नाशक दवा से करना है, तो पहले दवा से करें या जीवाणु से करें? तो इसमें मैं उनको जो क्रम है, जो सिक्वेंस है, उसका विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले वो फंजीसाइड से करें, सबसे पहले जो भी फफूंद नाशक दवा है, क्योंकि फफूंद नाशक दवा से बीज का उपचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगेती मटर में मैंने जैसे पहले भी बताया है, कई बार पुनः उसको दोहराना चाहूंगा कि उसमें उकठा बीमारी आएगी, अक्सर आती है, तो उसके उससे समस्या से निपटने के लिए बीज का उपचार करें। तो उसमें दवा है, आप उसको नोट भी कर सकते हैं, थाईराम 2 ग्राम लें और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। लगभग इसमें 100 किलोग्राम आपका बीज लगता है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन इसकी गणना कर सकते हैं। 3 ग्राम दवा 1 किलोग्राम के लिए लेनी है। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, आई कार्यक्रम में उनका सवाल शाम करते हैं। हेलो 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 हाँ मैम जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। सचिन जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आपने फोन किया है। हाँ मैम, मैम हमें जानकारी चाहिए थी कि हमने धान बोया हुआ था, तो धान अब बाली ले रही है जी, तो उसमें मैम अभी रोग लग जाता है कि लेढ़ा बोलते हैं इसको गांव में, फफूंदी, मैम उसको रोकने के लिए कौन सी दवाई डालें? रोग का नाम एक बार फिर से दोहराएं। मैम लेढ़ा बोलते हैं गांव में, ठीक है। डॉक्टर विश्वजीत, धान में बालियां लग गई है, लेरा रोग का जो है वो प्रकोप हो रहा है, किस तरह से निदान कर सकते हैं सचिन जी? देखिए धान में जो अभी जो है, अभी आपका जो रोग लग रहा है, जो आपने जो लोकल लैंग्वेज में जो बताया रोग का जो नाम, अभी जो सीधी बुआई हो या रोपनी वाला धान हो, क्योंकि अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके साथ साथ क्या होता है कि थोड़ा बारिश का भी माहौल हो जाता है, मौसम हो जाता है और रोग होता है, तो इसमें क्या है, रोग के लिए मेनली एक टेबुकोनाजोल जो बैक्टीरियल जो डिजीज होता है उसके लिए बैक्टीरियल सीफ्लाइड या लीफ्लाइड जो होता है उसके लिए टेबुकोनाजोल जो दवा है उसको आप डाल सकते हैं, उसमें आपका जो है काफी मात्रा में कम हो जाता है। इसके साथ साथ सिर्फ रोग ही नहीं, रोग आपको लगता है जैसे क्या होता है ऊपर में बीमारी के साथ साथ कीड़ा का भी काफी मात्रा में इस समय पे अटैक होता है धान में, खास करके जब आपका फ्लावरिंग की इस समय पे होता है, दूध निकलने वाला जो स्टेज होता है उस समय पे काफी मात्रा में आपका कीड़ा भी बहुत ज्यादा लगता है। उस समय पे आप जो है इमिडाक्लोरपिट जो है आपका प्रति 3 लीटर पानी में 1 ml ये दोनों चीज अगर आप अप्लाई करेंगे अपने खेत में तो बीमारी उसके साथ साथ कीड़ा दोनों का ही काफी मात्रा में कम हो जाएगा। बिल्कुल, और आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अब एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर आपसे जानकारी हासिल की बीज उपचार के बारे में, इसके साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे अभी इस वक्त देश के कई हिस्सों में जो है वो बरसात हो रही है, ऐसे में बुवाई को जैसे कि आपने जो समय बताया कि उसको आगे किया जा सकता है बरसात के मौसम को देखते हुए, अगर बारिश आगे भी जारी रही तो? जी बिल्कुल, बरसात जैसे हो रही है तो किसानों भाइयों को क्या करना है कि इस तरह का खेत का चुनाव करना है जहाँ पे पहले पानी भरा ना रहे, जल निकास की उचित व्यवस्था हो, और यह मैं जैसे बता रहा हूँ सितंबर से शुरुआत कर सकते हैं, लास्ट अंतिम सप्ताह से, या 15 अक्टूबर तक अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं, और इसके बाद भी यदि वो जारी करना चाहें तो अगेती मटर तो फिर ना कर सकते, फिर दूसरी किस्में हैं तो उनकी बिजाई वो 15 नवंबर तक कर सकते हैं, जो मुख्य मटर की खेती है उसकी वो बिजाई कर सकते हैं। और अगेती मटर में क्या है कि फिर वो आपको जो उत्पादन है वो उस तरह से कम होगा, क्योंकि इसकी आपने बिजाई लेट कर रहे हैं, आप उसको बाद में ले जा रहे हैं। तो और विशेषकर क्या करना है कि इसमें जो मॉइस्चर, जैसे आपने बताया कि बारिश हो रही है तो नमी इनके लिए बहुत ही जरूरी है। बुवाई के समय क्या होता है, कई बार किसान भाई खेत में सीधी बुवाई कर देते हैं और बाद में इरिगेशन देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रक्रिया है, क्योंकि पहले बीज की बुवाई कर दी बाद में सिंचाई की तो मिट्टी में क्या पपड़ी पड़ जाती है, और उस पपड़ी बनने से वो कहते हैं क्रस्ट फॉर्मेशन, मिट्टी के ऊपर पपड़ी बन जाती है जिससे कि उसके अंकुरण के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई क्या करें, सितंबर के अंतिम सप्ताह में या अक्टूबर 15 अक्टूबर तक, जिसमें पहले भी बताया हूं, जब भी खेत में इस मटर की बुवाई करें तो नमी, पहले बारिश हो रही है उसमें नमी है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नमी नहीं है तो पहले बोने से पहले
उसमें प्री सोइंग इरीगेशन जिसको कहते हैं, बुवाई से पहले सिंचाई जरूर करें, और उसको सिंचाई करने के बाद उसमें और नमी को संरक्षित करने के लिए जैसे पाटा लगा करके उस खेत को भुरभुरा बना करके तैयार कर लें। नमी अच्छी होने से मटर में अंकुरण बहुत होता है। बिल्कुल। और बीज दर उच्च रखें, क्योंकि क्या होता है कि अगेती किस्मों में अंकुरण थोड़ा सा प्रभावित होता है, कम होता है। उच्च बीज दर रखने से पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर वो अधिक होती है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके पौधे होते हैं वो बोने होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। जी, हमारे साथ अगले कॉलर कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो, हाँ जी कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, और मैं पहले चाहूंगी कि आप अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सारण में उत्तर प्रदेश से कर दी जी, सवाल पूछिए। सवाल मेरा सवाल ये है, धान में जो डायरेक्ट सीड बताई गई है वो कितना सीड पड़ेगा, मतलब बीज कितना डालेगा, किस महीने में कौन सी तारीख तक बोया जा सकता है, और उस पर क्या सुविस्कार ताकि नहीं है वो मैं छूट गया थोड़ा सा, मेरे उसका हट क्लियर कर दे डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब से एक अनुरोध है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है राम राम, अब भाई अपना संपर्क सूत्र भी दे दें। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले लेकिन हम रुख करते हैं डॉक्टर विश्वजीत का। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि किस समय पे लगाया जाए। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि किस समय पे सीधी बुआई के लिए असली टाइम क्या है। जो हम पहले भी आपको बताया कि 15 जून तक हो जाना चाहिए, जैसे कि आपको इस बार की हम जो प्रैक्टिकल हमारा जो एक्सपीरियंस हम बताते हैं, हम बिहार की यहाँ पे किशोर का ये करते हैं, तो इस बार यहाँ पे इतना बारिश हुआ कि हम देखे हैं जो डीएसआर जो सीधी बुआई जो लोग मई की एंड में या 7 जून तक कर लिया उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद से लगातार बारिश हो रहा है, इसलिए 15 जून में भी जो किया है उनके लिए भी दिक्कत हुआ। तो जनरली ये बताया जाता है कि 15 जून तक आपको करना ही है सीधी बुआई के लिए, उससे अगर लेट करिएगा तो क्या होता है बारिश के कारण आपका जो सीधी बुआई की बात क्या होता है, जो धान जब निकलते हैं अंकुरित होता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, पानी ऊपर जम जाता है तो गल जाता है बीचला जो है, बीज जो है जो आपका पौधा जो है वो गल जाता है, ये प्रॉब्लम आता है। उसके बाद आपने और एक सवाल पूछा है कि हम कितना मात्रा में हम बीज डालें, ये भी एक बहुत जरूरी बात है कि मात्रा कितना होना चाहिए। प्रति हेक्टेयर में आपको 30 से 40 या 45 किलो प्रति हेक्टेयर में आपको इतना बीज की मात्रा होना चाहिए। अगर एकड़ की बात किया जाए तो 12 से 13 किलो प्रति एकड़ में इतना आपको बीज होना चाहिए। इसके बाद जो सबसे सवाल आता है कौन सा किस्मों हम कर सकते हैं, क्योंकि ये रोपने वाला धान नहीं है, सीधी बुआई होगा, सब किस्मों जो है वो अच्छा पैदावार नहीं देगा, क्योंकि इसमें ऐसा किस्म होना चाहिए जो कम पानी में भी, क्योंकि मिट्टी में कंटिन्यूअस पानी नहीं रहता है उसमें भी अच्छा हो, तो उसके लिए जो है सहभागी धान बहुत अच्छा किस्म है जो आप लगा सकते हैं, ये स्टेट है बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और हमारे विश्वविद्यालय से भी एक धान तो 2-3 धान ऐसा है जैसे राजेंद्र नीलम है, राजेंद्र भगवती है, जो बहुत अच्छा डीएसआर कंडीशन में सीधी बुआई में बहुत अच्छा उपज देता है। ये आप 2-3 चीज को अगर आप दिमाग में रखिएगा तो निश्चित रूप से डीएसआर में सीधी बुआई में आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस बढ़ाएंगे चर्चा को आगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढककर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर,
जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना न पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं अगेती सब्जी मटर की खेती के बारे में और साथ ही बात हो रही है धान की सीधी बुआई और उसके प्रबंधन की। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, आप उन पर फोन कर सकते हैं और अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और ऑनलाइन मौजूद है डॉक्टर विश्वजीत जी। हमारे अगले कॉलर नंद स्वरूप जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सर। मैं जानना चाहता हूँ मटर की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें किस मिट्टी का चुनाव करना चाहिए? बलुई मिट्टी होती, चिकनी होती, काली होती, पथरीली होती, और कितना पीएच मान होना चाहिए? उसके साथ हमें सिंचाई की व्यवस्था, टपक सिंचाई व्यवस्था, फुहारा की व्यवस्था, नालियों में पानी देना, तो पानी किस हिसाब से हमें देना चाहिए जिससे अच्छी पैदावार हो सके? जी नंद स्वरूप जी, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन प्रश्न पूछा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छी मिट्टी इसके लिए दोमट मिट्टी मानी गई है और उसमें पैदावार अच्छी होती है और विशेषकर जल निकास की बहुत ही अच्छी सुविधा हो जिसमें, और आप यदि इसकी सिंचाई कर रहे हैं तो ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। मटर की खेती में, मटर की खेती में 2 से 3 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई आप मटर के बीज को बोने से पहले करें ताकि उसमें उसका अंकुरण अच्छे से हो, और बाद की जो 2 सिंचाई है वो फूल आने पर और जो अंतिम सिंचाई है वो मटर की जो फलियां जब पक रही हो, मतलब उसमें दाने भर रहे हो, उस वक्त करें। 3 सिंचाई इसके लिए पर्याप्त है। और जैसे कि आपने इसमें और पूछा कि हमें इसमें फुहारा सिंचाई करें, उस तरह की सिंचाई करें, तो इसमें क्या है कि आप फुहारा सिंचाई को इसलिए हम नहीं कहते कि इसमें उस वक्त इसमें क्या है कि ह्यूमिडिटी हो जाती है और पत्तों पर इसके बीमारियों को आकर्षित करती है, तो आप इसमें ड्रिप से सिंचाई करें। और उस तरह से जैसे मैंने बताया कि आप नाली के द्वारा सिंचाई करें, नाली के द्वारा भी सिंचाई बहुत अच्छी, लेकिन इसमें आपको उठी हुई मेडें बनाएं। जैसे क्या होता है कि नॉर्मल आप यदि सीड ड्रिल से सिंचाई बुआई कर रहे हो, तो सीड ड्रिल से यदि बुआई करिए तो आप इसमें नाली से सिंचाई नहीं करें। और जब रेज्ड बेड बनाई है, उठी हुई जैसे आपने क्यारियां बनाई हुई है, तो उसमें क्या है कि आप सिंचाई नाली के द्वारा भी करोगे तो डायरेक्ट जो पानी है आपका वो पौधे के संपर्क में नहीं आ रहा है, वो साइड से पानी को ग्रहण कर रहा है, तो उस वक्त आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है, निर्भर ये भी करता है आपने बिजाई किस तरीके से की है। और आप जैसे मैंने बताया कि बीज दर इसकी हर अगेती में 80 से 100 किलोग्राम तक रखें, और इससे आप सारी मैंने जैसे बताया बीजोपचार करें, रोग का प्रबंधन करें और सारी समेकित जो प्रबंधन है इंटीग्रेटेड, उस सबका उपयोग करके आप बहुत अधिक पैदावार ले सकते हो। बिल्कुल, अब आइए यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर विश्वजीत का। डॉक्टर विश्वजीत, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि देश के काफी हिस्सों में इस वक्त जो है वो भारी बरसात हो रही है और आगे भी इसके संकेत हैं, ऐसे में धान की फसल के अंदर कितना सेंटीमीटर तक जल स्तर किसानों को जो है वो बनाए रखना है और पानी की जो निकासी है वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, ये तो धान जो ऐसा एक फसल है जो जितना ज्यादा उसमें पानी होगा उतना अच्छा होता है जी, ये माना जाता है। लेकिन इस बार में जो हम बिहार के क्षेत्र में इस बार देख रहा है, जो पूरा भी भारत की जो इतना ज्यादा बारिश हुआ, धान के लिए भी इतना ज्यादा बारिश एक प्रॉब्लमेटिक हो गई, एक समस्या का कारण हो गया। क्योंकि धान में जब क्लरिंग होता है, जब उस समय पे क्या होता है, अगर पूरा पानी जमा हुआ रहता है तो बहुत अच्छा क्लरिंग नहीं मिलता है। ये समस्या इस बार हम लोग किसान भाइयों के खेत में दिख रहा है, हमारा जो रिसर्च प्लॉट है उसमें भी दिख रहा है कि लगातार बारिश के कारण। तो
तो इसीलिए जो है पर्टिकुलरली जो धान में जो बताया जाता है कि 3 से 5 सेंटीमीटर पानी धान में रखना चाहिए स्टैंडिंग वाटर, अगर आपके पास पानी का कोई कमियां नहीं है। लेकिन ये जो सीधी बुआई जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसका मेन जो कारण है कि धान में हम जो पानी इतना पानी सिंचाई करते हैं, ग्राउंड वाटर से हम इतना पानी लेते हैं, ये जो 3 से 5 सेंटीमीटर पानी बरकरार रखने के लिए जो हमारा रोपनी वाला जो धान है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ये पानी जो है ये वेस्ट होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर जो है ये काफी मात्रा में कम हो जाता है। इसके कारण इसको कम करने के लिए सीधी बुआई एक बहुत ही अच्छा तकनीकी है कि वो तकनीकी में हम 20% तक जो हमारा पानी है इसको कम कर सकते हैं। और जो आपने दूसरा जो प्रश्न पूछा कि इस बार इतना बारिश के कारण हम क्या करें, देखिए इस बार जो है जहाँ पे धान समय पे अगर आपका रोपनी हो गया या सीधी बुआई हो गया उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लेट कर दिया उनके लिए तो काफी इस पर समस्या सम्मुखीन करना पड़ा, जहाँ पे थोड़ा नीचे जमीन है उसमें पानी भरा हुआ है, आप रोप कर दिया उसके बाद भी पानी हो गया, तो अगर आपका सीडलिंग जो है जो बिचड़ा जो है वो अगर पानी के नीचे आ जाता है तो वो गल जाता है। तो इसीलिए पानी निकालने के लिए भी सही तरीका होना चाहिए, जो ड्रेनेज जिसको कहा जाता है वो भी एक बहुत जरूरी हो गया इस साल के लिए, खास करके सिंचाई के साथ साथ जो एक्सेस पानी जो है ज्यादा पानी जो है उसको निकालना ड्रेनेज करना ये भी एक बहुत ज्यादा एक जरूरी बात हो गया इस बार के लिए जो भारी बरसात के कारण। जी अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके का जो कीटों का प्रकोप होता है अगेती सब्जी मटर की फसल में और कैसे उनका जो है वो निदान किया जा सकता है। जी अगेती सब्जी मटर के लिए जैसे आप खेती किसान भाई करना चाह रहे हैं तो उसमें मुख्यतः पहले एक कीट आता है जिसका नाम है पी स्टेम फ्लाई, जिसको कहते हैं तना फल मक्खी। तो यह अगेती किस्मों में ही बहुत ज्यादा आती है, यदि आप इसको मुख्य फसल में जाएंगे तो उस वक्त इसका प्रकोप इतना नहीं होता है। तो अगेती किस्मों में क्या है कि आपको इस तरह की किस्में का चुनाव करना है जो इसके लिए प्रतिरोधी हो, लेकिन यह बहुत ही इस कीट के प्रति इस तरह की किस्में है नहीं, बहुत कम है, तो आपको प्रबंधन की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। डॉक्टर शर्मा यहाँ आपको मैं रोकना चाहूंगी, माफ कीजिए हमारे एक और कॉलर जो है वो फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, पहले हम उनका सवाल शामिल कर लेते हैं उसके बाद आपसे जो जानकारी है वो है हासिल करेंगे। रामचरण जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फोन लाइन पर महाराष्ट्र से, आइए उनका सवाल। हेलो, मैं जो धान लगाया हूँ मैंने जी, हाँ तो बीच में वो कीड़े ने आधा धान काट लिया है, तो उसका कौन सा मैं दवाई मारूं, क्या करूं उसमें? ठीक है, एक बार सवाल अपना फिर से दोहरा दीजिए रामचरण जी। हाँ, तो उसने आधा धान काट दिया कीड़े ने। ठीक है, आधा धान जो है वो खा लिया है कीटों ने। ठीक है, उसके निवारण के लिए आप जानना चाहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विश्वजीत, जी धान लगाया था आधी फसल को जो है वो कीट खा गए हैं, किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं? सबसे पहले जो है जो धान लगाया गया है वो अभी किस स्टेज में है ये पता होना जरूरी है, तब भी हम बता दें कि धान में जो है मुख्य जो प्रॉब्लम आता है स्टेम बोरर, जो बहुत बहुत मात्रा में प्रॉब्लम पैदा करता है, तो इसके लिए हम जो इतना दिन हमारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसमें हम देखते हैं कि धान आप रोपाई करें या सीधी बुआई करें, कोई भी तकनीकी से अगर आप धान का खेती करें तो उसमें क्या करना है, आप एक महीना बाद जब एक महीना हो गया आपका रोपाई या आपका सीधी बुआई का, उस समय पे आप आपका जो प्रति लीटर में 1 ml प्रति 3 लीटर में 1 ml इमिडा क्लोरफीड और आपका जो आपका 15 लीटर वाला जो टैंकर है जिसमें आप स्प्रे करते हैं उसमें आप 3 से 4 ग्राम आप साफ ये दोनों जो मैंकोजेब ये दोनों दवा जो है मिला के अगर आप स्प्रे कर दीजिएगा आपके खेत में, तो कीड़ा एवं बीमारी दोनों ही काफी मात्रा में कम हो जाता है, क्योंकि ये जो कीड़ा जो है ये आपका जब जिस समय पे आपका धान का फूल निकलता है पेनिकल आता है फिर दूध जब जिस समय पे निकलता है उस समय पे ज्यादा प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन इसका कीड़ा का जो शुरुआत वाला जो पार्ट है वो जमीन में रहता है, उस समय पे अगर आप एक बार स्प्रे कर दीजिएगा एक महीना बाद धान की रोपाई या आपका सीधी बुआई की, तो आप बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, आपका काफी मात्रा में कीड़ा एवं बीमारी कम हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कई बजे जाइए देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अच्छा।
अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा है बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई बात जल्दी आ, सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनो मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, हमारे अगले कॉलर को करते हैं शामिल। पदम जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त असम से फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल जाने। हेलो हेलो पदम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने टीवी की आवाज को पहले बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसे म्यूट कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, सवाल पूछिए पदम जी टीवी की आवाज को बंद करने के बाद, और थोड़ा सा जल्दी कीजिए, समय कम है हमारे पास। मैडम जी मेरे को ये जानना है कि धान खेती लगाया हुआ है उसमें कौन सा अनोखे डालने से ज्यादा माने उत्पादन ज्यादा हो जाएगा? ठीक है डॉक्टर विश्वजीत, काफी स्पष्ट सवाल है इनका, किस तरह से उसके अंदर कौन से उर्वरक डाल सकते हैं जिससे कि उनकी बढ़वार जो हो वो अच्छी हो धान की। बिल्कुल इसके बारे में हम आगे चर्चा करने ही वाले थे कि उर्वरक का जो है, खाद का जो है, इसको कैसे प्रबंधन करें कोई भी धान में, क्योंकि आज सीधी बुआई की बात है तो हम सीधी बुआई के बारे में बताते हैं। धान में जो है सीधी बुआई का जो धान या रोपनी वाला धान जो भी है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम ये जो है मुख्य उर्वरक होता है, देना ही है। तो नाइट्रोजन का जो मात्रा है 120 से 130 केजी प्रति हेक्टेयर में, फास्फोरस का जो मात्रा है 60 केजी प्रति हेक्टेयर में, और पोटेशियम का जो मात्रा है वो 40 केजी प्रति हेक्टेयर में। अब सवाल उठता है हम इसको कैसे दें, कैसे इसको प्रबंधन करें जैसे कि हमारा धान का जो पैदावार है वो बहुत अच्छा से हमको मिले। तो सबसे पहले जो है सीधी बुआई हो या आपका रोपनी हो, जिस समय पे आपका सीधी बुआई हो रहा है उस समय पे आपका पूरा मात्रा में जो फास्फोरस और पोटेशियम जो है, ये जो अभी आपको बताया जो 60 केजी प्रति हेक्टेयर में फास्फोरस और 40 केजी प्रति हेक्टेयर में जो पोटेशियम है, पूरा मात्रा में आपको उस समय पे आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उस समय पे आप पूरा मात्रा में खेत में दे दीजिए, और नाइट्रोजन जो है, खास करके नाइट्रोजन का जो प्रबंधन जो है ये बहुत जरूरी होता है। आपको शुरू में हम अभी कहते हैं कि नाइट्रोजन कम से कम सीधी बुआई के लिए आप कम से कम चार बार उसको, चार स्पीड पे उसको अलग अलग कर दीजिए, एक साथ पूरा 120-130 किलो नाइट्रोजन अगर आप दे दीजिएगा खेत में तो वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, पौधा को नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना है, आप जिस समय पे आपका बुआई हो रहा है उसी समय पे आप 25% अगर 120 किलो आपका है उसको चार हिस्सों में बांट लीजिए, 30 किलो जो है आप उस समय पे दे दीजिए, फिर आपका जिस 3 हफ्ता बाद 21 दिन बाद आप फिर 30 किलो दीजिए,
फिर जिस समय पे आपका 40 दिन के आसपास, 40 से 45 दिन के आसपास, उस समय पे आप फिर 30 किलो दीजिए, और उसके बाद जिस समय पे आपका फ्लावर निकल रहा है, फूल निकल रहा है, पेनिकल इनिशिएशन हो रहा है, उस समय पे आप फिर 30 किलो दीजिए। और इसके साथ साथ सीधी बुआई में एक बात और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की जो मैनेजमेंट है वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम दो चीज भूल जाते हैं कि सीधी बुआई जहाँ पे होता है वहाँ पे रोपाई वाला धान जो है वैसे पानी नहीं जमा रहता है, तो आयरन का जो है, आयरन का डेफिशिएंसी, आयरन का कमी खेत में आ सकता है, पौधा को जो है, धान को कम हो सकता है। तो क्या करें उस समय पे, अगर आयरन का कमी आपका खेत में दिख रहा है तो आप खेत में पानी भर दीजिए, कम हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपको कम से कम 10 से 15 किलो जो आयरन है जी, वो आपको खेत में डालना। बिल्कुल डॉक्टर विश्वजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के इस विषय पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और अंत में डॉक्टर शर्मा आपसे चलते चलते मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी कि गेती सब्जी मटर के अंदर कौन कौन से कीटों का प्रकोप हो सकता है। मुख्यतः मैं एक ही कीट का बताना चाहूंगा, जो पी स्टेम फ्लाई है, उसका किसान भाई बहुत अच्छे से प्रबंधन करें, क्योंकि यह अगेती मटर में बहुत ही आता है। इसके लिए जब खेत की तैयारी कर रहे हैं किसान भाई, तो अंतिम जब जुताई करने के बाद खेत में थीमेट जो दवा है, क्योंकि मिट्टी से पैदा होते, मिट्टी से इसका प्रकोप होता है, तो खेत में इसको मिलाएं, और जब मटर के 10 से 15 दिन के पौधे हो जाएं, तो इसमें जो मेटासिस्टॉक्स है या रोगोर है, उसका 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करें, ताकि इसको फैलाने वाली जो मक्खियां हैं उनको नष्ट किया जा सके, और इसका प्रबंधन करके आप अच्छे से मटर की उन्नत खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ डॉक्टर शर्मा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारियां विषयों के संबंध में दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, अपने आज के हमारे लाइफ ऑन कार्यक्रम में हमने बात की कि किस तरह से अगेती सब्जी मटर की आप खेती कर सकते हैं, और साथ ही हमने धान की सीधी बुवाई और उसमें प्रबंधन के बारे में भी जाना। आइए अब आपको बता दें कि हमारे कल के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। कल हम बात करेंगे गाजर की खेती एवं उन्नत किस्मों के बारे में, और साथ ही जानकारी हासिल करेंगे आलू की अगेती खेती के बारे में। दोनों विषयों के संबंध में अगर पहले से प्रश्न भेजना चाहते हैं तो हेलो के साथ 2015@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, इस पे आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800-1130-60 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है। और हमारे इस कार्यक्रम को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी आप हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो हमारे आज के लाइव ऑन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, अपना रखे ख्याल, नमस्कार। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का, और हताश निराश मायूस इंसान को
खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा, कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में तिलहनों विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। सातवीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। छुपा है पापे, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है, छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प, क्योंकि जीना इसी का नाम है। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान, भूरे लाल अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साई नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है, इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। हर सुबह एक नई ऊर्जा एक नए आह्वान के साथ आती है और हमसे कहती है कि चलो कुछ नया करते हैं। हैदरपुर वेटलैंड में मिलूंगा विदेश से आए मेहमानों से, जाऊंगा महाभारत के विख्यात महात्मा विदुर के आश्रम, उठाऊंगा आनंद बिजनौर शहर के मीठे और चटपटे स्वाद का, दियों से टिमटिमाते घाट पर शामिल होऊंगा गंगा आरती,
बदलते भारत की शान।